कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं जुबानी वार पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने यूपी के देवरिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव घोर परिवारवादियों और घनघोर राष्ट्रभक्तों के बीच है। इस चुनावों में परिवारवादियों के खिलाफ दलित, शोषित, वंचित सबके सब एकजुट हैं। सामान्य वर्ग ने भी उन्हें पटकनी देने की ठान ली है। और क्या कुछ कहा है आप ही देखिए। इन चुनावों में मुझे अनेक बार उत्तर प्रदेश आने का मौका मिला है। यूपी में इस बार जिस तरह का चुनाव हो रहा है उसे ये घोर परिवारवादी समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस बार का चुनाव घोर परिवारवादियों और घनघोर राष्ट्रभक्तों के बीच है। इस चुनाव में परिवारवादियों के खिलाफ दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित सबके सब एकजुट है। साथियों, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित की ताकत क्या होती है, इतिहास इसका साक्षी रहा है। गरीब इतिहास में कितनी बड़ी भूमिका अदा करता है, वो जरा हमारे पुरातन बातों को देखेंगे तो पता चलेगा। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो उसमें गांव के हर वर्ग की वो अपनी लाठी लेके खड़ा हो गया और शक्ति शामिल थी। राजकुमार सिद्धार्थ भी राजा की संतान थे, लेकिन गरीबों के आशीर्वाद ने उन्हें भगवान बुद्ध बना दिया। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हर गरीब को सशक्त कर रही है। जाति धर्म से ऊपर उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण, इसी भावना के साथ हम काम कर रहे हैं। जब मेडिकल कॉलेज खुलते हैं, आईटीआई खुलती है, तो सबका विकास होता है। जब हम सिंचाई की दशकों पूरी योजनाओं को पूरा करते हैं तो सबका विकास होता है। जब हम गरीब को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देते हैं तो सबका विकास होता है। जब सरकार मुफ्त राशन देती है, जीवन बचाने वाला टीका मुफ्त लगाती है तो ये सबका कल्याण होता है। भाइयों और बहनों, देवरिया समेत इस क्षेत्र की पहचान गन्ना उत्पादन से है। लेकिन इस क्षेत्र की चीनी मिलों को इन परिवारवादियों के शासन में बंद करा दिया गया। देवरिया का हमारा गन्ना किसान कभी नहीं भूल सकता है कैसे वो अपनी उपज बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर था। गन्ने की पर्ची के लिए कभी लाठी तो कभी
अपमान सहना पड़ता था। पर्ची मिल भी गई, उसके भुगतान के लिए इंतजार करना पड़ता था। कई महीनों, कई सालों के बाद अगर भुगतान हुआ भी तो वो भी किस्तों में किया जाता था। ऐसे ही हाल में आप घर के खर्चे। यूपी विधानसभा चुनाव के सियासी घमासान का दौर अब पूर्वांचल में दस्तक दे चुका है। बलिया में गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा की ओर से मोर्चा संभाला। चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो जनसभा में विरोधियों पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि चार चरणों के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। भाजपा ने 300 से ज्यादा सीटों के साथ चार चरणों में हुए मतदान से प्रदेश में सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। चार चरण के चुनाव में सपा बसपा का सुपड़ा साफ, 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का रास्ता चार चरण ने प्रशस्त कर दिया है। पांचवें, छठे और सातवें चरण में इस पूर्वांचल की और देवी पाटन मंडल की जनता ने इस पर बहुत बड़ी इमारत बनाने का काम करना है। उत्तर प्रदेश के गरीब मजलूम और निर्दोष नागरिकों की हत्या होती थी, आज यहां पर बने हुए गोले और मिसाइलों से पाकिस्तान के दिल दहल गए हैं, दिल दहल गए। ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, और ये परिवर्तन जो आगे बढ़ाना है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, 22 करोड़ की आबादी, ये सपा बसपा बसपा सपा ये बुआ भतीजा 15 साल तक राज करे, उत्तर प्रदेश को देश की 9वें नंबर की अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे। 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने 9वें नंबर से दूसरे नंबर पर लाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,67,000 गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 1,67,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। और एक सरकार बना दो जिन जिन के पास ये उज्ज्वला का सिलेंडर है, वो सभी को होली और दिवाली पर एक एक गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। 2,54,00,000 किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया है। 37,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में भेजा है। अब एक बार फिर से किसान भाजपा की सरकार बना दे, 5 साल तक उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली का कोई बिल नहीं भरना है। केंद्रीय रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह बलिया जिले की बैरिया विधानसभा सीट पर प्रचार करने पहुंचे। राजनाथ ने यहां पर एक सभा को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने अपनी सभा के दौरान कहा कि जनता को होली और दिवाली में मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा, और क्या कुछ दावे वादे किए हैं देखिए। आज मैं आपको बतलाकर जा रहा हूँ, सरकार बना दो मेरे बहनों भाइयों, होली और दिवाली पर एक एक गैस सिलेंडर मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। होली और दिवाली के अवसर पर मुफ्त में मुहैया कराएंगे। अच्छा, ये बतलाइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आप लोगों को हर 4 महीने पर 2,000 रुपया पहुंच रहा है, साल में 6,000। भैया पीछे के लोग, आप लोग खड़े हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पीछे जो खड़े हैं, मिल रहा है? मिला था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चुनावी शंखनाद करने पहुंचे। ऐसे में पीएम मोदी को साथ जनसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार के कामों का ब्यौरा दिया और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील भी की। मोदी जी को रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सारी ताकतें एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ जनता जनार्दन है। और आपको याद दिलाना चाहता हूं, ध्यान रखना, दो त्रेता युग में भगवान राम के जो सबसे बड़े दूत थे उन्हें क्या कहते हैं? हनुमान जी महाराज। यहां संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। तो मैं कहना चाहता हूं, त्रेता युग में भगवान राम के हनुमान जी कौन थे? तो वह हनुमान जी जिनकी हम सब पूजा करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हनुमान जी, आप सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, जिनके बल पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा चल रही है। काशी के पूरे जनपद के अंदर समाजवादी पार्टी का खाता खुल रहा है क्या कहीं? दोनों हाथ उठाकर बताइए, खाता खुल रहा है क्या कहीं? इधर भी बताइए, खुल रहा है क्या कहीं? काशी में खाता खुल नहीं रहा, अयोध्या में खाता खुल नहीं रहा, प्रयाग में खाता खुल नहीं रहा, पश्चिम से लेकर के पूरब तक जिस समाजवादी पार्टी को खोजना पड़ रहा है, वो 400 सीटों के सपने देख रहे हैं। मैं पूरे विश्वास से बाबा जी की धरती पर कह सकता हूं कि वह 47 सीटें 2017 में जीत करके आए थे, उनके ऐसे कोई कर्म नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी देवरिया पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जन समर्थन सपा के पक्ष में है, किसान बीजेपी से नाराज हैं और अब बीजेपी वाले माफी मांगने को मजबूर हैं। ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जो जोश दिखाई दे रहा है, ये नौजवानों का जो पार्टी के लिए समर्थन दिखाई दे रहा है, मैं ये कह सकता हूं कि इस बार देवरिया जिले से सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आपने 5 साल इंतजार किया है, ये मुझे जो बड़ी बड़ी तख्तियां दिखा रहे हैं अनुदेशक, बताओ 5 साल इंतजार किया कि नहीं किया? ये बीएड टेट वाले लोग 5 साल से इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैं पीछे भी देख रहा हूं, शिक्षा मित्र भी होंगे, बीपीएड वाले भी होंगे, ये अनुदेशक भी दिखाई दे रहे हैं, रोजगार सेवक भी होंगे, ये 5 साल से इंतजार कर रहे हो। अब आगे 5 साल तो नहीं इंतजार करने वाले हो, 5 साल और इंतजार तो नहीं करोगे? अगर 5 साल और इंतजार करना पड़ गया तो ये हमारे बीएड टेट वाले बूढ़े हो जाएंगे। किसानों को कितना भी बड़ा सपना दिखा दें, लेकिन इस बार किसान इनको माफ करने वाला नहीं है, उत्तर प्रदेश से इनको साफ करने का काम करेगा किसान। बीजेपी के नेता माफी मांग रहे हैं, कुछ लोग कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहे हैं, कुछ इनके बीजेपी के प्रत्याशी दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं। अभी अभी देखा एक तस्वीर आई है कि एक बीजेपी का प्रत्याशी किसी की तेल मालिश कर करके माफी मांग रहा है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, हमारे किसानों ने अन संकल्प ले लिया है, किसानों ने फैसला ले लिया है, बीजेपी के लोग इनके प्रत्याशी कान पकड़ करके।
आज के जुबानी वार पलटवार में इतना ही, कल फिर नए आरोप और बयानों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।